एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, चाल की एसआई मात्रक क्या है? देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इसका सिंबल में एम से लिखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, इसको एस से लिखते हैं। तो स्पीड का ऐसा यूनिट हो गया मीटर बाय सेकेंड। सब एस चाले का सवारा यूनिट है, लेकिन जो ऐसा यूनिट हुआ है स्पीड का मीटर बाय सेकेंड। द एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप इज टार्टरिक एसिड। लिमिट ऑफ ड्यूबिलिटी, आदमी का जो है ड्यूबिलिटी होता है, जो कांत इसको डिटेक्ट कर सके उसको ड्यूबिलिटी कहते हैं। यह जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इसको ड्यूबल कहते हैं, चाहे सोनिक भी कहते हैं इसको, सोनिक और एडेबल। अगर 20 से कम हो जाए फ्रीक्वेंसी, अगर लेस देन 20 हर्ज हो जाए तो इसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बड़ा हो जाए 20,000 से तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव। तो यहाँ एडोबुल पूछ रहा है तो उसका रेंज हो गया 20 से 20,000 हर्ट्ज। Which of following is a conveyable plant? Drosera is a conveyable plant. Which of following type of plant does not show transpiration? निक्विलिक्स में किस प्रकार का पाद वाष्पीकरण नहीं करता है, जल में डूबे हुए पाद। Which of following has the halofolling mode of nutrition? प्नोमिया इफेक्टेड लंग्स, प्नोमिया जो है लंग को इफेक्ट करता है, नोमिनिया है जो लंग को इफेक्ट करता है। बेकिंग सोडा जो होता है उसका अगर फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इस जहां CO3 होगा इसको कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट। तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। ए बॉडी डीप फ्रॉम द टावर, किसी को ऊपर से गिराइएगा तो एक्सलेशन तो इसका जी होगा, एक्सलेशन क्या होगा जी, इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कॉन्स्टेंट होगा, इज कॉन्स्टेंट है।
पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी बराबर होता है mgh। तो ऊपर से आ रहा है तो h क्या हो रहा है, घट रहा है, h डिक्रीज, ऊपर से नीचे आएगा तो h डिक्रीज करेगा। h हाइट होगा, h हाइट है, हाइट है, हिच इज डिक्रीज, हिच डिक्रीज डिक्रीज इन फॉलिंग, गिर रहा है तो घटेगा। लेकिन v बराबर क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू, v इक्वल टू होता है u प्लस gt। तो टाइम के साथ भी क्या करेगा, भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ऊपर से गिराइएगा तो डिक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, मास भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तब पूछा है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टावर, देयर इज ए इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज करेगा, सिटी इंक्रीज, इंक्रीज करेगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स फाउंड, ये जो फोर्स होता है तीनों में होता है, सॉल्यूट में लेकिन ज्यादा होता है, सॉल्यूट में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है, लेकिन होता ही सभी जगह। इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन ऑल स्टेट, ऑल स्टेट में, बट इन आइडियल गैस, आइडियल गैस, अगर गैस नहीं आइडियल गैस है तो क्या होगा, इन आइडियल गैस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज जीरो। केवल आइडियल गैस में जीरो होता है और किसी में जीरो नहीं होता, इस लिक्विड सॉलिड सभी में ही लगता है। केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट, विच एनर्जी कन्वर्ट टेक पहले से लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, विच इज अ सिंबल ऑफ क्रैप्टन, क्रैप्टन का सिंबल Kr होता है, क्रैप्टन इवन इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस गैस है, ये पोटेशियम का है, पोटेशियम का Cm, पोटेशियम, पोटेशियम इनर्ट गैस का जो Kr है। आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट करता है उसका वॉल्यूम घटता है, आइस मेल्ट करता है, मेल्ट तो उस समय उसका टेम्परेचर जीरो डिग्री होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज, डिक्रीज कर जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लांस, लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लांस, ये जो है एलोट्रोपिक्स है, ग्रेफाइट जो है खाली उसका एलोट्रोपिक, देखिए आइसोटोप का किसको कहते हैं, कोई एलिमेंट है जैसे हमारे पास आइसोटोप है, कार्बन C 12 एंड
कार्बन C14 ये आइसोटोप हुआ। आइसोटोन अब देखिए ये हुआ C6 C614 एंड N714 ये जो हुआ आइसोटोन हुआ। आइसोमर जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, चार्ज इक्वल। आई है जो ग्रेफाइट है डायमंड का, इसका सब कुछ एक ही है, खाली रूप बदला हुआ है, उसको एलोटॉप्स कहते हैं। एनर्जी ऑफ बाइंड एंड बेव ईच भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है D2O। देखिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है रेड का होता है 760 से 780 तक नैनोमीटर। येलो का होता है, येलो का होता है 550 500 2 600 नैनोमीटर। ब्लू का होता है, ब्लू का 452 500 नैनोमीटर। वायलेट का होता है, वायलेट का 380 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वायलेट का होता है। चार्ल्स लॉ का जो रिलेशन ही कहता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर चार्ल्स लॉ कहता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर।